हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल वाला में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो थोड़ा कुछ अलग है। इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन और पूछे भी जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक मोटर है हमारा और एक हीटर है। दोनों का जो पावर है वो सेम है, यानी कि 1000 वाट का हमारा मोटर भी है और 1000 वाट का हीटर भी है। तो दोनों का पावर सेम है, तो क्या दोनों एक ही तरह का करंट लेगा या अलग अलग करंट लेगा? तो हम कहते हैं कि दोनों का अलग अलग करंट होगा। तो अब कैसे होगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि पावर हम कैसे निकालते हैं किसी भी चीज़ का। अगर मान लेते हैं पावर हम कैसे निकालते हैं, एसी की अगर बात करें, एसी और डीसी, ठीक है, पावर हम कैसे निकालते हैं किसी भी चीज़ का। पी इजकल टू क्या होता है, वी इंटू आई। पावर हमारा क्या होता है, वोल्टेज और करंट को गुणा करते हैं तो हमारा पावर आ जाता है। और उसके साथ कॉस फाई होता है, कॉस थीटा हो या कुछ भी हो, कॉस एंगल भी होता है। ये हमारा एसी में होता है। उसी जगह डीसी में क्या होता है, डीसी में हमारा सिर्फ पी इक्वल टू होता है वी और आई, इसमें पावर फैक्टर नहीं होता है। ये कॉस थीटा जो है वो हमारा पावर फैक्टर है। एसी में हम पावर फैक्टर को देखते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर इसमें हम करंट निकालने जाएंगे तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम इसमें करंट निकालेंगे तो हमारा आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बाई वी इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा। तो हमें क्या है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो मोटर है, मान लेते हैं ये हमारा मोटर के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है, मोटर के लिए जो करंट निकाल रहे हैं, यानी कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि करंट कितना लेगा मोटर। तो हमें ये पता है यहाँ पे हम मोटर के लिए, तो मोटर के लिए हम निकाल रहे हैं, मोटर का पावर क्या है, जो 1000 वाट है वो इसका पावर है, तो 1000 वाट तो दिया हुआ है, वो तो पता ही है। वोल्टेज क्या है, सिंगल फेज में हम कितना वोल्टेज देते हैं, 230 वोल्टेज देते हैं ना, तो 230 वोल्टेज, ठीक है। उसके बाद पावर फैक्टर क्या होता है वो देख लेते हैं। पावर फैक्टर हमारा होता है कॉस एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। पावर फैक्टर ये हमारा होता है कुछ इस तरह का, ये एंगल जो है ये पावर फैक्टर होता है, यानी कि कॉस थीटा करंट और वोल्टेज के बीच का जो एंगल बनता है वो हमारा पावर फैक्टर होता है। अब यहाँ पर पावर फैक्टर के बारे में बात करने से पहले हम यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रिकल के लोड के बारे में। इलेक्ट्रिकल में हम कितने तरह के लोड लगाते हैं, एक तो हमारा रेसिस्टिव लोड हो जाता है, एक हमारा इंडक्टिव लोड हो जाता है और एक कैपेसिटिव लोड हो जाता है। रेसिस्टिव लोड में हमारे बल्ब वगैरह आ गए, जिसमें कॉयल वाली ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, कॉयल वगैरह नहीं होते, यानी कॉपर कुछ इस तरह का मोरा नहीं होता है, ठीक है। उसी जगह अगर इंडक्टिव की बात करें तो उसमें कॉयल जैसी वाली चीज़ आ जाती है जिसमें मैग्नेट बनता है, उसके बाद हमारा काम होता है। तो मोटर हमारा किस तरह का होता है, उसमें कॉयल लपेट के देते हैं, मैग्नेट बनता है, उसके बाद वो घूमना स्टार्ट हो जाता है। तो इंडक्टिव लोड में हमारे क्या हो गए, जिसमें कॉयल होते हैं, जैसे कि हमारे मोटर हो गए, ठीक है, हमारा ट्रांसफार्मर हो गया, ऐसे चीज़ जिसमें कॉयल होता है, यानी कि जो मैग्नेटिक करंट से काम करता है। तो यहाँ पे हम कैपेसिटिव लोड के बारे में अभी छोड़ देते हैं, हमें दो चीज़ पढ़ना है। तो यहाँ पे रेसिस्टिव लोड जिसका पावर फैक्टर क्या होता है, 1 होता है, रेसिस्टिव लोड का पावर फैक्टर 1 होता है, क्योंकि यहाँ पे जो वोल्टेज है, वोल्टेज यहाँ से स्टार्ट होगा तो करंट भी यहीं से स्टार्ट होके यहाँ तक जाएगा, यानी कि सेम फेज में रहेगा, इसलिए उसका पावर फैक्टर 1 होता है। उसी जगह अगर मोटर और ट्रांसफार्मर यानी कि इंडक्टिव लोड की बात करें तो उसका पावर फैक्टर हमारा 0.8 होता है, क्योंकि उसमें लॉस होता है। अब लॉस कैसे होता है, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा वोल्टेज जा रहा है, ठीक है, तो इसके साथ हमारा वोल्टेज नहीं जाता है, वो 90 डिग्री के फेज डिफरेंस पे जाता है, यानी कि ये स्टार्ट ऐसे होगा, यानी कि वोल्टेज हमारा पहले पहुंचेगा और करंट बाद में पहुंचेगा, तो ये हमारा लॉस हो गया। तो ये लॉस क्यों होता है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, करंट पहले उस सर्किट में जो कॉयल है उसको मैग्नेटाइज कर रहा है, उसके बाद वो काम कर रहा है, तो ये दो दो काम कर रहा है, इसलिए ये पीछे रह जाता है, ये एक साथ नहीं जाता है। लेकिन यहाँ पे रेसिस्टिव लोड की बात करें तो मैग्नेटाइजिंग वाला ऐसा कुछ होता नहीं है, सीधा हम वोल्टेज देते हैं और करंट अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन यहाँ पे अगर इंडक्टिव लोड की बात करें तो हमारा क्या होता है, इंडक्टिव लोड में
जब हम वोल्टेज देते हैं तो करंट फ्लो होता है, और करंट फ्लो होता है तो उसमें पहले मैग्नेट बनाता है, मैग्नेट बनाता है उसके बाद वो सर्किट काम करता है यानी मोटर चलता है, तभी हमारा करंट पीछे रह जाता है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमारा इंडक्टिव लोड के लिए जो पावर फैक्टर होता है वो 0.8 होता है, और रेसिस्टिव लोड के लिए जो पावर फैक्टर होता है वो हमारा 1 होता है। तो हम यहाँ किस करंट निकाल रहे हैं, मोटर का, तो मोटर का करंट निकाल रहे हैं, इसका मतलब इसका पावर फैक्टर क्या होगा, 0.8 होगा। ठीक है, अब इसको एक सिंपल सा कैलकुलेशन करेंगे उससे हमारा निकल के आ जाएगा, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो हमारा 1/4 आ जाएगा। उसके बाद इसका जो करंट निकल के आएगा वो 5.14 एम्पियर के आसपास आएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया मोटर का। उसी जगह हम बात कर लें अगर हीटर की, अब हीटर की अगर बात करते हैं तो हीटर हमारा क्या है, रेसिस्टिव लोड है, उसमें क्वाइल जैसा ऐसा कुछ तो होता नहीं, मैग्नेटिज्म पे काम करता नहीं है, तो ये हमारा रेसिस्टिव लोड है। तो ये भी 100 वाट का है तो हमने 100 वाट दे दिया। उसके बाद वोल्टेज हमने 230 दे दिया। ठीक है, सिंगल फेज की बात कर रहे हैं, और इसका जो पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है, 1 होता है। तो अब हमारा कुछ इस तरह का आ जाएगा, ठीक है, सिंपल 230। ठीक है, अब इसको काट के हमारा आएगा 4.34। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, जो इंडक्टिव लोड है, इंडक्टिव लोड ज़्यादा करंट लेता है, ज़्यादा करंट, और रेसिस्टिव लोड जो है, रेसिस्टिव लोड हमारा लो करंट लेता है। ठीक है, इंडक्टिव लोड हमारा ज़्यादा करंट लेता है और रेसिस्टिव लोड हमारा कम करंट लेता है। ये तो क्लियर हो गया, हमारा वाट सेम है लेकिन करंट अलग अलग लेता है। तो अब हम बात करते हैं क्या हमारे बिजली बिल पे इसका असर पड़ेगा, तो बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम बिजली बिल में क्या निकालते हैं, एनर्जी निकालते हैं। तो एनर्जी हमारा क्या चीज़ से होता है, हम एनर्जी कैसे निकालते हैं, एनर्जी हमारा होता है E=P/T, यानी कि जो हमारा पावर है और जितने देर वो चला तो वो हमारा एक यूनिट निकल के आता है। यानी कि हम अगर मान ले कि इसका अगर एनर्जी निकालने जाएंगे, 1000 वाट मोटर का एनर्जी निकालने जाएंगे, तो 1000 वाट मोटर हो गया, उसके बाद 1 घंटा चला तो 1000 हो गया, इसका मतलब ये हमारा एक यूनिट हो गया। उसी जगह 1000 वाट हीटर का निकालेंगे तो 1000, ठीक है, ये हमारा पावर और टाइम, ये भी 1 घंटा चला तो इसका भी एक यूनिट हो गया। तो यूनिट तो सेम उठ रहा है लेकिन हमारा करंट अलग अलग हो रहा है। तो बहुत जगह ऐसा कहा जाता है कि करंट अगर बढ़ता है तो हमारा बिजली बिल बढ़ जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो आई होप आप लोगों को मेरे वीडियो से कुछ जानने को मिला हो। अगर आप हिंदी में वीडियो देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।